हेलो, वेलकम बैक टू सपना विशाल ब्लॉग। आज मैं मिनी ब्लॉग बना रही थी पर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो हमने कहा चलो दिखाई देते हैं। वैसे है तो रोज़मर्रा ही, पर रोज़मर्रा भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान कैसे करता है, क्या करता है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो आप लोगों को जानना तो ज़रूरी है। ये मैंने लौकी कट करी, लौकी को मैंने बॉयल करके रख दिया। और पतिदेव को भी मैंने दिखाया ना, वो बना रहे हैं घी से मलाई निकालने का, उनको मैंने वो बताया है तरीका। हमने कहा ऐसे ऐसे करो, ठंडे पानी को डाल डाल के मत करो, भी आपको सीखना भी आ जाएगा और करना भी आ जाएगा। वो मैंने उनको दे दिया क्योंकि मेरे लखनऊ में इस समय नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है। ज़्यादा मलाई हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना तो स्मेल आने लगती है। और ये देखो पतिदेव मेरे इतना सारा मक्खन निकाल के ले आए हैं। और आपको भी अगर सीखना है तो बताना, मैं कॉमेंट में आप बताना, मैं आपको ईजी ट्रिक से फटाफट से और ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन निकालने का तरीका बता दूंगी। ये देसी है, हमारी मम्मी लोग करती थी, अब हम करते हैं। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मुझे कुदरती आता है। मेरी मम्मी ने सिखाया था तो मैं आपको भी सिखा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गोभी को हल्का सा गर्म पानी में सॉफ्ट होने के लिए डाल दिया था क्योंकि इस समय गोभी सब स्टोर की रखी हुई आ रही हैं, अच्छी गोभी नहीं है। तो मैंने उसको पहले से ही थोड़ा कीटाणु वीटाणु होते हैं जो भी मर जाते हैं, तो मैंने उनको पानी में डाल के रखा हुआ था। फिर ये मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, ये बोली मम्मी घर में बहुत स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल आ रही। तो हमने कहा हाँ बेटा आ तो रही है, क्या करें, ये घी नहीं कभी बनाने देती। जब भी ये घी मैं बनाती हूँ ना तो ये स्कूल रहती है, बट इस समय डीएम ऑर्डर के चक्कर में स्कूल बच्चे यूँ जाते यूँ आते। फिर मैंने बनाया नींबू पानी का शरबत, और इस समय गर्मी है तो उसके लिए क्या पीना चाहिए, नींबू पानी। नींबू पानी और ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये मेरी लौकी बॉयल्ड हो गई तब तक, और मैं ये लौकी की एक अजीब व गरीब सब्जी बना के दिखाऊंगी जो कि मुझे मेरे घर में बहुत सबको पसंद है। बच्चे भी नहीं लौकी खाते हैं तो आपके घर में खाने लगेंगे अगर आप इस तरीके से लौकी बनाएंगे। ओ ये बहुत गर्म पानी था, मेरे पैर पर गिरा है। और ये हैंड वॉश करनी है, बचपन की एक डायलॉग अभी तक इतना फेमस है, हमेशा गिरने के बाद ही बचती है। मैंने इनको दिया ये पानी, हमने कहा ये लो इससे एनर्जी लाओ, और कह रही घर की बर्फ बहुत खत्म हो गई, हमने कहा अभी खत्म हो जाएगी। फिर मैं फटाफट से आई आपको लौकी की रेसिपी दिखाती हूँ कि लौकी मैंने लिया बेसन, मिर्ची और हल्दी पाउडर और हल्का सा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। और फिर मैंने इसमें ऐड किया पानी थोड़ा सा, और इसका बना लिया मैंने पेस्ट, मतलब झटपट से बनने वाली सब्जी। और इसको मैंने अच्छे से इसमें लपेट दिया है ना। फिर मैंने चढ़ाया कढ़ाही और इसमें डाला जीरा। अभी गर्मी है, हींग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप हींग का तड़का देंगे तो भी अच्छा लगेगा, बट मैंने नहीं डाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर ये देखो मेरा घी बन के तैयार हो गया है। और ये मैंने लौकी सबको निकाल भी दिया, और आलू गोभी की सब्जी मैंने बनाई थी जो कि मैं ऑफिस चली गई थी और मेरी सब्जी पूरी ख़राब भी हो गई थी, मैंने घर में आके बहुत चिल्लाया था। और फिर मैंने सबका फटाफट से खाना निकाला क्योंकि मैं 11:30-12 बजे गई थी, तो मैंने सबको खाना बना के खिला दिया था क्योंकि मेरे घर में बहुत काहिल लोग हैं, खाना बना के रख के जाओ फिर खाते नहीं। फिर मैं फटाफट से रेडी हुई और अपने पतिदेव को भी रेडी किया, बोले मेरा गंजा गर्म कर देते हो तुम दोपहर में जाती हो, तो हमने कहा क्या ही बताएं, अब चलो भैया मैं निकलती हूँ। और आज मैं मिनी ब्लॉग बना रही थी और ये ब्लॉग बन गया, तो आप लोग देख के बताना कि ये कैसा है। फिर हम लोग हाय बाय करके, और ये कह रही थी सब जब सबके ऑफिस का जाने का आने का टाइम होता तब आप जा रहे हो तो क्या करें, हॉस्पिटल की ड्यूटी है, टाइम शेड्यूल सब चेंज हो जाता है। और फिर घर से पानी की बॉटल ले जाना भूल गई थी, फिर मैंने रास्ते में देखा नल मंदिर के पास, हमने कहा रुक जाओ पहले बॉटल में पानी ले लूँ कि इस समय बिना पानी तो निकलने वाला नहीं होता है घर से, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग खड़े थे। फिर मैं घर आई ऑफिस से और इनका ये था, ये भैया पास्ता देखो किस स्टाइल में खा रही थी, मतलब सुबह का पास्ता थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था उसको डायरेक्ट इंडक्शन पे रख के कटोरी, उसको किसी चीज़ में नहीं, कटोरी को डायरेक्ट सुलगा दिया और इतनी कटोरी गर्म थी तो ये ऐसे पकड़ के खा रही थी। अरे भगवान, ये लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से, जहाँ पर लगाना चाहिए बुक में तो लगता नहीं है, सारा दिमाग यहाँ देखो किचन की एक्सपेरिमेंट में लगता है। खैर छोड़ो, ये इनके फंडे हैं, अपना खाने से मतलब है, कैसे भी खाएँ। आप लोग बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा है, बहुत दिनों बाद आया है, देखना और कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी करी मस्ती, इसमें कौन ज़्यादा खूबसूरत है कौन ज़्यादा खूबसूरत है आप बताना, जो जो ये कर रही थी वो मैं कर रही थी, हमने कहा जो मैं कर दूँगी वो तुम नहीं कर पाओगी, तो कर रही, हमने कहा मैं मुझे मेरे पास बस चश्मा नहीं है, बाकी सब कुछ है। बाय।